तो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं नदी किनारे फिर से आ गया हूं और आप लोग को एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी से परिचित करा के उसकी औषधि प्रयोग बताऊंगा। तो लास्ट तक बने रहिए। यह औषधि हर स्त्री पुरुष के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और एकदम विशेष है। दोस्तों, देख सकते हो मैं अभी नदी के पास आया हूँ और मैं अभी उस औषधि के पास आप लोग को लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि नदी के किनारे में ही वो जो जड़ी बूटी मैं बता रहा हूँ पाया जाता है और इतना ज़बरदस्त असर करता है। इस जड़ी बूटी से ना बहुत से लोग मतलब अभी तक के प्रभावित होकर के उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि इसका जो भी प्रयोग किया है आज तक फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है उसको। तो ये छोटा सा नाला है, नदी है और इसके किनारे में लगा हुआ है। वैसे ये जो अभी मैं आपको पौधा दिखा रहा हूँ जड़ी बूटी का, ये नदी के किनारे में ही लगता है। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, देख सकते हो ये इसका फूल है और ये इसका पूरा पौधा है इस तरह से। तो इसकी पहचान मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे आप इसको देखोगे तो यहाँ से देख सकते हो इसकी जो तने हैं उसमें गांठ गांठ पाया जाता है। ये गांठ है, ये गांठ है, ये गांठ है, पूरा मतलब शुरू से लास्ट तक गांठ ही गांठ होता है इसके पौधे में। यहाँ से और अच्छे से देख सकते हो, ये पूरा गांठ ही गांठ लगा होता है और गांठ से पत्ते निकले रहते हैं और लास्ट में जब ऊपर वाला देखोगे भाग तो इस तरह से इसके फूल आते हैं। ये फूल है और इसी फूल के अंदर इसका बीज भी होता है। जैसे इसको रगड़ोगे ना इस तरह से, तो रगड़ोगे तो ये जैसे फूल निकल के आ गया हाथ में और इस फूल के अंदर काला काला बीज होता है, लेकिन ये सूखने के बाद दिखेगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक आध बीज निकाल के बता दे रहा हूँ हाथ में रगड़ के, तो आप लोग देखते रहिए। जैसे ये इतना सा निकल गया और इसमें किसी किसी में बीज होगा। मैं बीज तो ऐसे सभी में है लेकिन नहीं दिख रहा है। इसमें देख सकते हो ये काला काला एक दो बीज नज़र आ रहा है जिसको मसल के मैं दिखाया तो इस तरह से इसका छोटा छोटा दाना बीज होता है और ये बीज परम पौष्टिक होता है और अत्यंत प्रभावशाली औषधि का काम करता है। वहाँ भी है देख सकते हो, और यहाँ भी है, और यहाँ भी मतलब यहाँ पे लगा हुआ है। मैं आपको अच्छे से पहचान करा रहा हूँ, इसको देख करके आप लोग पहचान लीजिए। बड़ी आसानी से कोई भी देख करके पहचान लेगा, क्योंकि अभी इसमें फूल भी आया हुआ है और अच्छे से पहचान भी हो रहा है। इस औषधि को देख करके पहचान लो, क्योंकि इसके जो फ़ायदे अगर जानोगे तो सच में आप भी उपयोग करना चाहोगे और एक बार तो ट्राई करके देखना ही चाहोगे, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है और किसी अन्य दवा से बहुत तेज़ है और जल्दी इसका असर देखने को मिल जाएगा आपको। तो इसका प्रयोग आप कैसे और किस किस समस्या के लिए कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। तो इसका पत्ते देख रहे हो, लंबा लंबा कनेर के पत्ते के समान, तो इस तरह से जो पत्ता होता है ना, यह पत्ता भी औषधि गुणों का भंडार है और ये फूल भी और इसका जो बीज है वो भी और इसका जड़ भी। तो आप जैसे महिलाओं को सफ़ेद पानी की समस्या रहती है, सफ़ेद प्रदर जिसे बोलते हैं, तो उनकी जो सफ़ेद प्रदर होती है, श्वेत प्रदर, उसके लिए यह एकदम सर्दिया और अचूक दवा है। कई लोग पागल रहते हैं कि हमारे घर में हमारे पत्नी को या फिर हमारे रिश्तेदार में इस तरह की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो वे लोग इधर उधर डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं, पैसा भी बर्बाद करते रहते हैं। तो मैं उन लोगों को यही कहूँगा कि अगर आप इसको पहचान लोगे और इसका प्रयोग अभी मैं बता रहा हूँ उस तरीक़े से कर लोगे, तो आपको 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि आपको श्वेत प्रदर की समस्या कभी नहीं होगी, और है तो वह बहुत जल्द 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। बस इसके पत्तों को और इसके कुछ फूलों को और इसके जड़ को, यानी तीनों चीज़ों को आपको लेना है बराबर मात्रा में और उसको थोड़ा सा कुचल के उसका काढ़ा तैयार करना है। काढ़ा तैयार कर लो और सुबह सुबह उसको खाली पेट पिला दो, तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। उसको काढ़ा पिलाने के 1-2 घंटे बाद ही कुछ खाने पीने को देना है, या फिर एक पहर तक उसको कुछ भी खाने पीने के लिए ना दो, तो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अब इसी को आप दूसरे तरीके से कैसे प्रयोग कर सकते हो, इसके पत्ते का रस निकाल के, और मतलब पूरे पंचांग का, फूल पत्ते और जड़ का रस निकाल के आप 1-2 चम्मच रस निकाल लीजिए। उसके बाद गुनगुने पानी में उसको घोल करके
उसमें मिश्री मिला करके उसको पिला दीजिए। बस इसका प्रयोग आप तुरंत कर सकते हो क्योंकि इसमें उबालने की झंझट नहीं है। तो आप इसका रस निकाल के भी पिलाओगे तो भी श्वेत प्रदर ठीक होगा, और काढ़ा बना के पिलाओगे तो भी श्वेत प्रदर ठीक होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके जो काले काले इसमें बीज आता है इसके फूल में, उसको किस तरह से प्रयोग करना है। इसका बीज परम पौष्टिक है, मैं जैसे पहले भी बताया। तो इस तरह से जब आप इसका फूल तोड़ लो, बहुत सारा इकट्ठा कर लो, तो इसको सुखा के इसका बीज निकाल लेना। और इसके बीज के साथ आपको एक और चीज़ मिलाना है, वो है मिश्री। मिश्री यानी खड़ा वाला मिश्री, धागे वाले मिश्री। उसको सुबह या रात को या फिर दोनों टाइम आपको एक एक चम्मच की मात्रा में लेना है। तो इसको आप पाउडर बना लेना, मतलब इसके बीजों को पाउडर बना लेना और मिश्री के पाउडर के साथ मिला के एक चम्मच की मात्रा में आप जब भी मन करे तो खा के देख सकते हो। एक सप्ताह में आपका शीघ्र पतन, धातु रोग, प्रमेह रोग, यहाँ तक का जो शुगर होता है वो भी कंट्रोल होता है। लेकिन उसके लिए आपको मिश्री हटाना पड़ेगा, मिश्री को निकाल देना है। मतलब एक ही इसके बीज को ही आपको गुनगुने जल से सुबह शाम लेते रहना है, आपका शुगर भी कंट्रोल हो जाता है। दोस्तों, कई लोग तो इसके जो बीज है उसको पीस करके पाउडर बना के बालों में भी लगाते हैं, क्योंकि इससे बालों की जो झड़ने की, टूटने की समस्या होती है, रूसी डेंड्रफ की समस्या होती है, तो वह भी ठीक होता है और बाल काला भी होता है इससे, ऐसा कई लोग बताते हैं। और मैंने भी मतलब एक दो बार प्रयोग किया है, लेकिन इसका रिजल्ट मैं नहीं जान रहा हूँ। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ इसके बीजों को खाने का, वह बहुत ही ज़बरदस्त है। शीघ्र पतन जिसको होता है ना, उसका शीघ्र पतन 2-3 दिन में ही रुक जाता है, मतलब शीघ्र पतन नहीं होता है। इससे टाइमिंग बहुत कम रहती है किसी किसी को, तो उसकी टाइमिंग जो है बढ़ जाती है। और एक और विशेष बात दोस्तों, इससे आप ना एक जड़ इसका निकाल लेना और इसके जड़ को काट करके छोटे छोटे उसको काढ़ा बनाना, और उसमें थोड़ा सा फिटकरी डाल देना। फिटकरी आप लोग जानते होंगे, तो उसमें आप शुद्ध फिटकरी डाल के उसको काढ़ा बना लेना। जैसे इसके जड़ और फिटकरी का काढ़ा बनाओगे, और उस काढ़े से ना दोस्तों, अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट को अगर धोते हो, तो जैसे ठंड में किसी किसी को बहुत ज़्यादा वहाँ पे रस पड़ जाता है, मतलब जैसे छिलका निकलता है, या फिर जिसका पूरी तरह से खुल नहीं पाता है और दर्द होता है, बहुत से पुरुषों की समस्या रहती है कि जो आगे वाला भाग है वह छोटा हो जाता है और इधर बड़ा हो जाता है, तो उसको पूरी तरह से जैसे खोलते हैं ना, तो खुल नहीं पाता है, उसमें उसको पूरी तरह से खोलने में दर्द होता है, और कहीं कहीं किसी किसी का तो फट जाता है, तो बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है, खून भी निकल जाता है, और उनको रात में परेशानी हो जाता है। तो इस तरह की समस्या अगर है, तो फिर इसके जड़ के साथ फिटकरी मिला करके काढ़ा बनाना है आपको, और उस काढ़े से 2 दिन ही आपको उसको लगाना है या फिर उसको धोना है। सुबह धो लो, शाम को धो लो, या फिर सुबह शाम दोनों टाइम चल जाएगा। और उसको धोने के बाद उसको अच्छे से पोंछ लीजिए। उसके बाद उसमें ना शुद्ध देसी घी आपको लगाना है अपने लिंग में, अपने औजार में। तो उसको देसी घी जैसे लगाओगे, तो यह क्या होगा, उसकी जहाँ भी जितने भी बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन होगा या फिर त्वचा में रूखापन होगा, वह ख़त्म हो जाएगा। और इसका फिटकरी के साथ बनाया हुआ काढ़ा जो है, वहाँ की जो त्वचा है उसको खोल देगा पूरी तरह से। और ऐसे बाकी के मौसम में अच्छे से खुलता है, उसी तरह से खुलने लगेगा और सारी वहाँ का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होगा। तो और दोस्तों, इस पौधे का नाम मैं आपको बताना भूल गया था, तो नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। इस पौधे को मगर लोट कहा जाता है, और इसका एक और नाम है जिसमें तलैया ज्वार कहा जाता है, तो आप इसे तलैया ज्वार भी कह सकते हो, यह स्थानीय नाम है, और मगर लोट इसका प्रमुख नाम है। तो इस तरह से इसका मैं आपको पहचान और औषधि फ़ायदे बता दिया। अगर आपको वीडियो की जानकारी से कुछ अच्छा जानने को मिला, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद।